हर किसी को इंतजार इस बात का था कि नीतीश कुमार अगर राजभवन पहुंचते हैं तो राज्यपाल से मुलाकात के बाद क्या बात होती है, क्या वहां पर तेजस्वी यादव से भी उनकी मुलाकात होगी। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। लगातार बिहार में सियासी उठापटक की खबरें तेज हैं। ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में, या यूं कहें कि एक से दो दिन के अंदर, बिहार में नीतीश की सरकार बदल सकती है। नीतीश कुमार गठबंधन के सहयोगी को बदल सकते हैं, बल्कि खबर अब यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार का लगभग बीजेपी के साथ आना तय हो गया है, वो आरजेडी से अपना गठबंधन तोड़ लेगी। इन सब के बीच जब आज राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार तो उस कार्यक्रम में सभी नेता मौजूद थे, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। नीतीश कुमार जब इस कार्यक्रम के बाद बाहर निकले तो उनसे मीडिया ने यह सवाल किया कि तेजस्वी इस पर नहीं आए, तो नीतीश कुमार ने अपने सधे हुए अंदाज में जवाब दिया। लगातार चल रही सियासी उठापटक के बीच नीतीश कुमार का ये बयान बहुत कुछ कहता है। नीतीश कुमार ने बिना कहे भी बहुत कुछ कहा है। उन्होंने सिर्फ हालांकि एक ही लाइन कही कि जो नहीं आए उनसे ये सवाल करना चाहिए, लेकिन ये एक बड़ी बात है। आज सुबह भी जब गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दौरान भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों मौजूद थे, लेकिन दोनों ने कोई बातचीत नहीं की और दोनों के बीच एक कुर्सी का गैप भी था। राज्यपाल के राजभवन में जो कार्यक्रम था चाय का, उस कार्यक्रम में भी नीतीश कुमार की बगल की कुर्सी पर तेजस्वी यादव को बैठना था, लेकिन तेजस्वी यादव राबड़ी आवास पर विधायकों संग चर्चा कर रहे थे, वो इस कार्यक्रम में नहीं आए, जिसकी वजह से अशोक चौधरी उस कुर्सी पर बैठे हुए दिखे नीतीश कुमार के ठीक बगल में। और अब नीतीश कुमार ने बयान देकर ये साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में उनका गठबंधन से नाता टूट सकता है, या यूं कहें कि आरजेडी और जेडीयू के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।